एक्ट्रेस डेजी शाह गुजराती सिनेमा में करने वाली है डेब्यू, जिसका टाइटल है गुजरात 11। इस फिल्म में वो एक्टर प्रतीक गांधी के अपोजिट फीचर की जाएंगी, जिनकी फिल्म रॉन्ग साइड राजू ने नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म 2017 जीता था। डेजी शाह एक फुटबॉल कोच की भूमिका निभाने वाली है। डेजी का कहना है कि क्लोज फ्रेंड ने उन्हें इस बारे में इंस्पायर किया कि भले ही वो बॉलीवुड फिल्म करती हैं, लेकिन अपने मदर टंग की फिल्म को भी उन्हें एक चांस जरूर देना चाहिए, और वो अपने आप को लकी मानती हैं कि उन्हें ऐसा ही एक अच्छा प्रोजेक्ट गुजराती इंडस्ट्री में भी मिल गया, इसलिए वो एक गुजराती फिल्म करने के लिए रेडी हो गई हैं, जिसके डायरेक्टर हैं जयंत गिलाटर। डेजी को इन्होंने ही नरेट की है स्क्रिप्ट, और तुरंत ही डेजी ने इस फिल्म का डिसीजन भी ले लिया है। अब तक डेजी ने जो भी फिल्म्स की हैं उससे ये काफी डिफरेंट है। ये फिल्म उन्हें फिजिकल फ्रंट पे ज्यादा पुश करती है और उन्हें अपनी खुद की ही मदर टंग लैंग्वेज पे ज्यादा वर्क करने को भी इंस्पायर करती है, क्योंकि वो बोलती है मुंबई या गुजराती, और इस फिल्म के लिए उन्हें प्योर गुजराती बोलनी पड़ेगी। डेजी का मानना है कि अगर उन्हें इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, फिर वो बॉलीवुड में हो, साउथ में हो, मराठी में हो या गुजराती में हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए स्क्रिप्ट ही हीरो है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन फिल्म हिस्ट्री। फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड अपडेटेड बॉलीवुड न्यूज़ प्लीज सब्सक्राइब इंडियन फिल्म हिस्ट्री यूट्यूब चैनल।